बहुत डरा हुआ है, बहुत सीनियर एडिटर से बात होती है, वो कहते हैं जी सीधे बीजेपी वालों के फोन आ रहे हैं आजकल, हमारी सरकार आने वाली है फिर देख लेना, हमारी सरकार आने वाली है फिर देख लेना, छोड़ेंगे नहीं तुमको। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से करप्शन और कुशासन के घेरे में बैठ करके गंदगी का कीचड़ फेंकने की कोशिश कर रही है, वो कीचड़ उसके मुंह पर लगेगा और उसके ऊपर जो दाग बने हुए हैं, जो लगे हुए हैं, वो दाग और गहरे होंगे। संजय बारू जी के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि झूठ बोल रहे हैं, करें ना, ठीक है, ये सब प्रायोजित है। नरेंद्र मोदी जी का पैसा खूब बहरा है आजकल, वो बहुत अच्छा किया, उसकी बचाव किया, नहीं तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। एक तो 6 बजे के बाद तो होश में भी नहीं रहती है, तो रायबरेली के लोग बताते हैं, और उसके पति आ जाएगा तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसकी। खबर नहीं, अफवाह है और इसमें कोई तत्व नहीं है, और मैं समझता हूँ कि कहाँ से ये खबर आई, किसने दी, ऐसी पूरी जानकारी हमको नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ संजीव त्रिवेदी। होते होते रह गया सबसे बड़ा भिड़ंत, वाराणसी में नरेंद्र मोदी बनाम प्रियंका गांधी, अगर हो जाता तो क्या होता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वहां तो प्रियंका गांधी जाने का मन बना चुकी थी और आखिरी वक्त पर यह तय किया गया कि उन्हें वहां नहीं भेजना है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह मिथ टूटना भी बहुत जरूरी है जो प्रियंका गांधी के आसपास है, जरूरी था कि वो लड़ जाती। और इसके अलावा आज खबर यह भी है आपके लिए कि वैसे अफसर जो यूपीए के साथ काम कर चुके हैं और लिखना जानते हैं और कहीं ना कहीं उनकी लड़ाइयां हुई हैं सरकार से, तो वो जो फाइटर थे अब वो राइटर बन गए हैं, और ऐसे राइटर किताबें लिख लिखकर कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में परेशान कर रहे हैं। और संजय बारू के बाद अब नाम जुड़ गया है, आप जानते हैं, पीसी परख का। लेकिन ये खबरें सब बाद में, सबसे पहले आपको बताएं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टेलीविजन एडवर्टीजमेंट के जरिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार प्रहार किया, और इस टीवी एड में दावा किया गया है कि कांग्रेस की विचारधारा जोड़ती है जबकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तोड़ती है, और इस तरह के एडवर्टीजमेंट भी आपने कई देखे होंगे सड़कों पर, तोड़े नहीं जोड़े। आज हमारा समाज एक दोराहे पर खड़ा है, कांग्रेस की विचारधारा एक स्वस्थ खुले हुए आजाद समाज की कल्पना करती है जो नए जमाने की नई हवाओं में सांस लेता रहेगा। उनकी विचारधारा में नफरत, लालच और निरंकुश सत्ता की भूख का अंधेरा है। कांग्रेस की सोच में आने वाले सुबेरों का उजाला है, एकता की रोशनी है, नई उम्मीदों की किरणें हैं। ये एक ऐसा संबोधन था जो जाहिर तौर पर अपनी तरफ वोटों को खींचने के लिए था, लेकिन अब जो जोर से यह बताया जा रहा है कि दरअसल आप अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो देश टूट जाएगा, संप्रदायवाद के आसपास पूरी लड़ाई, और कहीं ना कहीं वो जो हिंदू हार्डलाइनर की छवि है नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी उसे बार बार रेखांकित करने की कोशिश अगर करती है कहीं ना कहीं दुबे जबान, तो फिर कांग्रेस उसे बार बार उठा करके लोगों को कहती है मुश्किल हो जाएगी अगर नरेंद्र मोदी चुने जाएंगे प्रधानमंत्री। चलिए, ये सब तो आपस में चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं मददगार और नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, और इसमें एक फेहरिस्त बनती जा रही है उन अफसरों की जो पहले यूपीए सरकार के साथ काम कर चुके हैं, पहले पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू और अब पूर्व कोयला सचिव पीसी परख की किताब ने भी मनमोहन सिंह को बेहद कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया है। परख की किताब है, उनका नाम है क्रुसेडर और कॉन्स्पिरेटर, कोलगेट एंड अदर ट्रुथ्स, और इसमें दावा किया गया है कि मनमोहन सिंह भले ही प्रधानमंत्री पद संभालते रहे लेकिन उनके पास कुछ भी अधिकार नहीं था। याद करें तो यही बात संजय बारू ने भी कही है, सरकार वास्तव में सोनिया गांधी ही चलाती रही है, ये बात भी संजय बारू ने कही है। और परख ने यह भी लिखा है कि उन्होंने कोल ब्लॉक के लिए सांसदों को ब्लैकमेलर बनते दिखा है और मंत्रियों को प्रधानमंत्री के आदेशों की अवहेलना करते भी देखा है। परख ने इस पुस्तक में सीबीआई द्वारा उनके ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई करने की बात भी लिखी है। 2005 तक परख साहब कोल सेक्रेटरी थे और इस दौरान कोल मंत्रालय प्रधानमंत्री के अंतर्गत था, और
प्रधानमंत्री उनके अनुसार ये चाहते थे कि ऑक्शन के जरिए कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बार बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो है उसी के आधार पर कोल ब्लॉक के आवंटन होते रहे। और इसके बाद जब ये बात फैली तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संजय बारू और परख की किताबें दरअसल एक के बाद एक साबित कर रही हैं कि मनमोहन सिंह केवल नाम के प्रधानमंत्री थे, सुपर प्राइम मिनिस्टर तो कोई और था। इन दोनों किताबों से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हुई है। दोनों किताबों से यह झलकता है, सामने आता है सच कि प्रधानमंत्री को केवल पद पे बिठाया था लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में सत्ता नहीं थी, सत्ता सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। अफसरों ने परेशान कर दिया। थोड़ा पीछे चलते हैं तो सीएजी विनोद राय और उनके द्वारा जितनी भी बातें कही गई रिपोर्ट में आई उसमें 2G भी था और 2G ने किस तरह से परेशान किया यूपीए सरकार को, कांग्रेस को, आपने देखा। उसके बाद संजय बारू की किताब और अब सामने आ गई है पीसी परख की किताब। और पीसी परख के बाद क्या सिलसिला थमेगा, क्योंकि कुछ लोग और भी हैं फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं, जनरल वीके सिंह, आरके सिंह होम सेक्रेटरी और सत्यपाल सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर, सब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो भी किताब लिखेंगे, देखेंगे। वैसे इस तरह के जब हमले हो रहे हैं तो कांग्रेस में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और कांग्रेस के नेता और खासतौर पर वैसे नेता जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ काम किया है वो उनके बचाव में आए हैं। ब्याला रवि जो कि मंत्री हैं मनमोहन सरकार में, उन्होंने दावा किया है कि किताब में किए गए सभी दावे जो हैं वो सच्चाई से परे हैं और सिर्फ कमाई के लिए ये सब किया जा रहा है, एक तरह का ये धोखा है जो ये अफसर रिटायर होने के बाद सरकार के साथ कर रहे हैं। This is stupid way of making things. They want to sell their paper books. They make something more. They say because this is a money matter. They want to sell more books and make more money. आपने दिग्विजय सिंह को अभी सुना, कह रहे थे कि बहुत पैसा बह रहा है और ये पैसा नरेंद्र मोदी का पैसा बह रहा है, क्या ये सब कुछ पैसे से किया जा सकता है? और खासतौर पर ऐसे अफसर पीसी परख जिनके ऊपर जब सीबीआई ने एफआईआर किया तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि तर्कहीन है इस तरह का एफआईआर किया जाना। और 2005 में रिटायर होने के बाद 2014 में जो वो बातें कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छी बातें नहीं है, लेकिन एक नाराजगी उनके जहन में जरूर है। आज दिल्ली में उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया और किताब भी जारी किया। चलिए अब अगली खबर यह है कि इन सबके बीच नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार पर हैं और लगातार अपने भारत विजय यात्रा में घूमते जा रहे हैं। सोमवार को यूपी के लखीमपुर खीरी में थे और कांग्रेस नेतृत्व पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, खूब प्रहार किया और ये प्रहार आज अंबेडकर को अपमानित करने के आरोप के तौर पर था। और यहां आपको बताते चले कि आज अंबेडकर की जन्मतिथि थी और इस मौके का फायदा उठाते हुए अंबेडकर ने निशाने साधे कांग्रेस अध्यक्ष पर और सोनिया गांधी पर। भारत के प्रधानमंत्री के वाणी स्वातंत्र के हक को किसने छीन लिया है? मैडम सोनिया जी, जरा देश जानना चाहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुंह पर ये कहां का ताला लगा हुआ है, जरा बताओ।